हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी विजुअल पाथवे समझाने वाली हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे विजुअल पाथवे का एक डायग्राम बनाया है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी विजुअल पाथवे को एक लाइन डायग्राम की मदद से, ताकि आप उसकी पूरी मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह से समझ के याद कर लें। फिर मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ एनोपिया, हेमी एनोपिया के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी विजुअल पाथवे के डायग्राम पे। तो विजुअल पाथवे होता क्या है? विजुअल पाथवे इज अ पाथवे विच कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना ऑफ द आई टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। तो विजुअल पाथवे एक ऐसा नर्वस पाथवे होता है जो कि सारी इन्फॉर्मेशन को हमारी रेटिना से ले जाकर सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचा देता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे पूरी विजुअल पाथवे का डायग्राम का लेबलिंग बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे है लेफ्ट आई और इधर है हमारी राइट आई। तो लेफ्ट आई की जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, वो यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके ऑप्टिक काइज्मा का फॉर्मेशन करती हैं। फिर वो इम्पल्सेस ऑप्टिक ट्रैक तक पहुँचते हैं और वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुँच जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है लेफ्ट विजुअल फील्ड और यहाँ पे है राइट विजुअल फील्ड। तो लेफ्ट विजुअल फील्ड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक टेम्पोरल रीजन और एक नेजल रीजन। टेम्पोरल रीजन की जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमारे नेजल फाइबर्स कैरी करते हैं और नेजल रीजन की जो फील्ड ऑफ व्यू है वो हमारे टेम्पोरल फाइबर्स कैरी करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने ये ब्लू कलर का बनाया है क्रिस क्रॉस फिगर, ये है नेजल फाइबर्स, और ये जो रेड कलर का आपको पूरा दिख रहा है ये दोनों साइड में, वो है हमारे टेम्पोरल फाइबर्स। तो आप एक बार हमारे ये मैकेनिज्म वाले चार्ट पे आ जाइए तो आप यहाँ से पूरी मैकेनिज्म को इजीली समझ पाएंगे। देखिए, विजुअल रिसेप्टर्स इन द रेटिना, मतलब कि जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं हमारे रेटिना में, वो सारी इम्पल्सेस को ले जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स तक, बाइपोलर सेल्स तक। फिर बाइपोलर सेल्स की जो एक्सॉन्स होते हैं वो गैंग्लियोनिक सेल के डेंड्राइट्स के साथ साइनेप्स करके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स मतलब गैंग्लियोनिक सेल की एक्सॉन मिलकर ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इम्पल्सेस ऑप्टिक काइज्मा तक जाती है, वहां से ऑप्टिक ट्रैक तक जाती है। फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स मतलब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक जाती है। फिर वहां से ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू वो इम्पल्सेस विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है। तो देखिए, ये लाइन डायग्राम में जो मैकेनिज्म है उसी को बस हमें यहाँ पे उसी के पार्ट्स को हमें ये विजुअल पाथवे पे लेबलिंग करना है। देखिए, लेफ्ट आई, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन, विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी एनोपिया, हेमी एनोपिया और उसके टाइप्स के बारे में। तो देखिए, एनोपिया होता क्या है? लॉस ऑफ विजन इन वन विजुअल फील्ड इज नोन एज एनोपिया। इसका मतलब है कि अगर हमारी कोई एक विजुअल फील्ड की पूरी विजन लॉस हो जाए तो उसे बोलेंगे एनोपिया। मतलब कि टेम्पोरल और नेजल दोनों रीजन का अगर विजुअल फील्ड लॉस हो जाए तो उसे हम बोलेंगे एनोपिया। अभी देखिए, हेमी एनोपिया क्या है? लॉस ऑफ विजन इन वन हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड। अगर हमारी विजन सिर्फ एक हाफ साइड में ही लॉस हो तो उसे बोलेंगे हेमी एनोपिया। अब देखिए, हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, मतलब कि विजन का लॉस सिर्फ एक ही साइड में होगा, आइदर वो टेम्पोरल रीजन में होगा आइदर नेजल रीजन में होगा, दोनों साइड में अगर होगा तो उसे बोलेंगे एनोपिया, अगर हाफ साइड में होगा तो बोलेंगे कि हेमी एनोपिया। अभी देखिए टाइप्स, एनोपिया के दो टाइप होते हैं, एक राइट एनोपिया और एक होता है लेफ्ट एनोपिया। वैसे ही हेमी एनोपिया के होते हैं दो टाइप्स, होमोनिमस हेमी एनोपिया और हेट्रोनिमस हेमी एनोपिया। अभी होमोनिमस हेमी एनोपिया के भी दो टाइप होते हैं, राइट और लेफ्ट, और हेट्रोनिमस हेमी एनोपिया के भी दो टाइप होते हैं, बाय नेजल और बाय टेम्पोरल। तो अभी ये राइट एनोपिया, लेफ्ट एनोपिया और ये जो हेमी एनोपिया के इतने सारे टाइप्स हैं, होमोनिमस, हेट्रोनिमस, फिर होमोनिमस के राइट लेफ्ट और हेट्रोनिमस के बाय नेजल बाय टेम्पोरल, ये सब क्या होते हैं आपको अभी यहाँ से पता चल जाएगा। अभी हम ये पूरी ये जो डायग्राम है इससे आपको पूरी पता चल जाएगी अभी कि ये सब होता क्या है। ठीक है, तो अभी आप एक बार हमारे ये चार्ट पे आ जाइए और देखिए, यहाँ पे मैंने ये ए बी सी डी ई एफ जी ये सब जो लिखा है, आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है? तो ये है हमारी लीजन्स, मतलब कि अगर ये जो टेम्पोरल और नेजल फाइबर्स हैं
वो कट जाएं या वहां पे कोई इंजरी हो जाए और वो फाइबर्स डैमेज हो जाएं, तो उसमें विजन में कैसे फर्क पड़ेगा, मतलब विजन कैसे इफेक्ट होगा इसके लीजन से। तो देखिए अभी यहाँ पे ए वाला जो लीजन है यहाँ पे ऐसा बना है, मतलब ये हमारी टेम्पोरल फाइबर्स और नेजल फाइबर्स दोनों को ही कट कर रहे हैं। तो देखिए अभी ये जो हमारे टेम्पोरल फाइबर्स हैं, ये टेम्पोरल फाइबर्स कहाँ से आ रही हैं, ये हमारी नेजल रीजन से आ रही हैं। इसका सॉरी ये जो टेम्पोरल फाइबर्स है ये कहाँ का विजुअल फील्ड दिखा रही है, हमें नेजल रीजन का दिखा रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे रीजन होगा तो नेजल रीजन की हमारी विजुअल फील्ड डैमेज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अब जाइए आप ए में और हमारी लेफ्ट साइड की नेजल रीजन को शेड कर दीजिए। देखिए ये लेफ्ट साइड है, ये है नेजल और ये टेम्पोरल, तो लेफ्ट साइड की नेजल रीजन को हमें पूरा शेड करना है, ठीक है। अब आप फिर से एक बार आ जाइए इधर, देखिए ये अब यहाँ पे भी ये फाइबर्स कट हो रही है, मतलब कि यहाँ के नेजल फाइबर्स भी डैमेज हो रहे हैं। तो ये नेजल फाइबर्स अभी कौन से फील्ड को कैरी कर दिखा रहे हैं, वो टेम्पोरल रीजन के फील्ड को दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग टेम्पोरल रीजन को भी शेड कर देंगे। देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी नेजल और टेम्पोरल दोनों साइड की विजुअल लॉस हो जा रही है। अभी हम आते हैं बी के लीजन पे। देखिए बी का भी यहाँ से हमने कट किया, तो ये वाले फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, टेम्पोरल रीजन से, और ये वाले फाइबर्स जो हैं वो कहाँ का फील्ड दिखा रहे हैं, हमें नेजल रीजन का। मतलब कि यहाँ पे भी नेजल और टेम्पोरल दोनों का ही फील्ड जो है, दोनों का ही विजन लॉस हो जाएगा। तो अभी हम जाएंगे राइट साइड के नेजल और टेम्पोरल दोनों के रीजन में। अभी दोनों का ही लॉस हो रहा है तो यहाँ पे भी हम दोनों के रीजन को शेड कर देंगे। ठीक है, तो अभी आइए फिर से अभी सी नंबर पे आइए। तो अब सी नंबर का देखिए, सी नंबर का लीजन आ रहा है यहां तक, मतलब ये खाली रेड फाइबर्स में लीजन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब खाली टेम्पोरल फाइबर्स पे ये लीजन क्रिएट कर रहे हैं, नेजल फाइबर्स पे नहीं कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये वाला जो नेजल फाइबर्स, ये वाला जो हमारा है फाइबर्स टेम्पोरल फाइबर्स, ये टेम्पोरल फाइबर्स अभी कौन से फील्ड के विजन को लेके जा रहे थे, ये यहां से एरो आ रहा है, मतलब ये नेजल रीजन के फील्ड को लेके जा रहे थे, मतलब यहाँ का लीजन से हमारा लेफ्ट आई का नेजल फील्ड डैमेज हो रहा है। तो अभी हम जाएंगे सी में, यहाँ पे भी हम बनाएंगे नेजल और टेम्पोरल। तो यहाँ का हमारा नेजल फील्ड डैमेज हो रहा था तो हम यहाँ पे नेजल फील्ड पे शेड करेंगे। अभी आ जाइए डी पे, डी पे देखिए, डी पे यहाँ पे लीजन हो रहा है रेड वाले फाइबर्स में, मतलब रेड वाले एरो को हमें देखना है। अभी रेड वाले एरो से ऊपर जाइए, देखिए यहाँ पे नेजल रीजन का डैमेज हो रहा है, तो मतलब नेजल रीजन की राइट साइड का विजन लॉस हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए डी में, डी में, और ये क्या है राइट साइड का नेजल रीजन। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे डी में राइट साइड का नेजल रीजन। फिर हम आते हैं देखिए ई पे, ई पे एक ऐसा हॉरिजेंटल वाला लीजन है। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि दोनों साइड की ये नेजल फाइबर्स डैमेज हो जा रही हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये ब्लू वाली लाइन को फॉलो कीजिए, इसके एरो को फॉलो कीजिए, ये हमारे लिए हमें ले जा रही है टेम्पोरल रीजन पे, वो भी राइट साइड की। तो हम यहाँ पे जाएंगे फिर से और राइट साइड की टेम्पोरल रीजन को शेड करेंगे। फिर देखिए ये वाले से ये वाला फाइबर्स भी डैमेज हो रहा है, तो ये वाला फाइबर्स अभी कहाँ से आ रहा है, ये भी हमारे लेफ्ट साइड के टेम्पोरल रीजन से आ रहा है, तो अभी लेफ्ट साइड के टेम्पोरल रीजन भी डैमेज हो जाएगी। तो ई पे ही यहाँ पे ये है टेम्पोरल और ये है नेजल, तो यहाँ के टेम्पोरल रीजन पे भी हमें शेड करना है। वैसे ही हम अभी एफ पे आते हैं, तो एफ पे देखिए अभी एफ की भी दोनों यहाँ पे एक लीजन हो रहा है, तो यहाँ पे रेड और ये ब्लू दोनों ही फाइबर्स कट हो रहे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले ये वाले फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से रेड वाले, फिर रेड एरो में जाएंगे यहाँ से, मतलब ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड की नेजल रीजन को इसका फील्ड यहाँ से डैमेज होगा। तो एफ में यहाँ पे है नेजल, यहाँ पे है टेम्पोरल, तो यहाँ की नेजल फील्ड का डैमेज होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाले फाइबर्स कहाँ लेके जा रहे हैं हमें, यहाँ से ऐसे करके ये आ रहे हैं हमारे यहाँ से, फिर जाके टेम्पोरल, मतलब राइट साइड की टेम्पोरल। तो यहाँ पे जाइए आप और यहाँ पे हमारी राइट साइड की टेम्पोरल रीजन पे आपको शेड करना है। देखिए यहाँ पे
होगा टेम्पोरल और यहाँ पे होगा नेजल, तो टेम्पोरल रीजन पे हमने शेड कर दिया। फिर आइए जी पे, तो जी पे देखिए, जी पे भी यहाँ पे ऐसे पूरा लीजन हो रहा है, मतलब ये दोनों फाइबर्स कट हो रहे हैं। तो देखिए ये वाला फाइबर्स हमारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ब्लू, फिर ये एरो आपको टेम्पोरल रीजन तक ले जा रही है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड का टेम्पोरल रीजन डैमेज हो रहा है। तो यहाँ ये लेफ्ट साइड का ये वाला टेम्पोरल रीजन है, टेम्पोरल रीजन में शेड कर दीजिए। फिर आप देखिए इधर, अभी ये वाला इधर साइड का भी डैमेज कर रहे हैं, मतलब ये वाले रेड फाइबर्स को डैमेज कर रहे हैं। फिर यहां से जाके ये हमारे इम्पल्सेस आ रही थी यहाँ नेजल, नेजल राइट साइड की, तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे नेजल राइट साइड वाले में ऐसे शेड कर दीजिए, ठीक है। अभी ये सब हो गया हमारा काम, अभी बहुत आसान हो गया है। हमें अभी क्या करना है, हमें बस अभी इनका नेमिंग करना है, ठीक है। तो चलो हम इनका नेमिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरी लेफ्ट विजुअल फील्ड का डैमेज हो रहा है इधर। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर पूरी विजुअल फील्ड का डैमेज होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एनोपिया, और ये लेफ्ट साइड में हो रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट एनोपिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी पूरी राइट साइड की विजुअल फील्ड डैमेज हो रही है, नेजल और टेम्पोरल दोनों फील्ड, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एनोपिया बोलेंगे। और राइट साइड की है तो ये हो गया राइट एनोपिया। अभी आ जाइए सी पे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी नेजल फाइबर्स डैमेज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे हाफ फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं, यहाँ का नेजल फील्ड डैमेज हो रहा है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अभी होगा हेमी एनोपिया, हेमी एनोपिया, ठीक है। तो देखिए अभी ये नेजल साइड का हो रहा है और लेफ्ट साइड, लेफ्ट आई की नेजल फील्ड, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेफ्ट नेजल हेमी एनोपिया। अब आइए डी पे, यहाँ पे देखिए नेजल रीजन का फील्ड जा रहा है हमारा और ये है राइट साइड का, और हाफ जा रहा है बोल के हेमी एनोपिया बोलेंगे, तो यहाँ का नेमिंग क्या होगा, राइट नेजल हेमी एनोपिया। अब यहाँ पे आइए ई पे, देखिए यहाँ पे टेम्पोरल रीजन का विजन लॉस हो रहा है और यहाँ पे भी हमारी टेम्पोरल रीजन का लॉस हो रहा है, ये है नेजल और ये है टेम्पोरल, मतलब टेम्पोरल रीजन का लॉस हो रहा है। तब दोनों ही आई की हमारी टेम्पोरल रीजन की विजन लॉस हो जा रही है, तो हम इसे अभी क्या बोलेंगे, बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया। देखिए हेमी एनोपिया क्योंकि हमारी सिर्फ एक आई की एक ही साइड का विजन लॉस हो रहा है ना, नेजल और टेम्पोरल दोनों नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्पोरल हो रहा है, इसलिए हम इसे हेमी एनोपिया बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, टेम्पोरल और नेजल दोनों ही साइड का विजन लॉस हो जा रहा था, इसलिए हम इसे एनोपिया बोल रहे थे, ठीक है। अब आइए एफ पे देखिए, लेफ्ट साइड की नेजल रीजन का व्यू लॉस हो रहा है और राइट साइड की टेम्पोरल रीजन का लॉस हो रहा है। तो अभी यहाँ पे पूरा दोनों साइड का तो नहीं हो रहा है, एक ही साइड का हो रहा है, तो हम इसे पहले बोलेंगे हेमी एनोपिया। और देखिए अभी आइए, ये जो आई है इसका भी एक राइट साइड होगा और एक लेफ्ट साइड होगा ना, तो हमारी ये लेफ्ट साइड की, लेफ्ट आई की ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये हमारी राइट आई की राइट साइड है और ये हमारी राइट आई की ये लेफ्ट साइड है और ये राइट आई की राइट साइड है। तो अभी हम इसे क्या नाम देंगे, राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया। अब आइए जी पे देखिए, ये दोनों साइड का हो रहा है तो ये है हमारी लेफ्ट साइड, तो हम इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट लेफ्ट होमो निमस हेमी एनोपिया। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे अभी विजुअल पाथवे का कॉन्सेप्ट, विजुअल पाथवे की पूरी मैकेनिज्म और एनोपिया, हेमी एनोपिया और ये डायग्राम्स आपको कैसे बनाने हैं वो पूरी समझा दिया है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच।